चैप्टर टू में हमारे पास तीन ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा डिज़ाइन है इस बुक का। तो मतलब शुरू में बताते थे कि तीन ही चीज़ें भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पता नहीं आप लोग, मैं तो जब कोई बुक पढ़ता हूँ ना तो मैं उसके पहले गिनता हूँ, पहले तो चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं ना इंडेक्स में से, यार ये चैप्टर मैंने पढ़ने हैं मेरे काम का। और जब वो चैप्टर शुरू करता है बंदा, तो मेरे जैसा बंदा पहले उसके पेजेस गिन लेता है कि कितना है, आज की डेट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसने काइंड ऑफ उसी साइकोलॉजी को शायद पकड़ लिया है ऑडियंस के, और इसने यहाँ पे लिख के बता दिया कि भाई ये तीन चीज़ें, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, बोल्ड इटैलिक एम्फेसाइज और स्ट्रक्चरल एंड सेमेंटिक मार्कर। देखते हैं जी, शुरू करते हैं। व्हेन क्रिएटिंग अ वेब पेज यू ऐड टैग्स ऑल्सो नोन एज मार्कअप्स, ठीक है, टू कॉन्टेंट टू द कॉन्टेंट्स ऑफ द पेज। दीज टैग्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा मीनिंग एंड अलाउ ब्राउजर टू शो यूजर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। अब कह रहे हैं कि हमने ना अभी बोल्ड इटैलिक H1 पैराग्राफ्स ये सब हमने देखा है। आप क्या करते हैं, जब भी HTML का कोड लिख रहे होते हैं तो आप पहले वो बातें लिख देते हैं सारी, फिर उन बातों को आप रैप कर देते हैं टैग्स के दरमियान, या उनको मार्कअप भी बोल सकते हैं, मार्कअप में रैप करते हैं। तो जैसे ही रैप करते हैं वो स्पेशल मीनिंग समझ आ जाता है ब्राउज़र को। अगर H1 में रैप किया तो उसको बड़ा कर देता है, अगर P में रैप किया तो उसको पैराग्राफ करके दिखाता है, अगर B में रैप किया तो उसको बोल्ड करके दिखाता है। तो ये तो समझ में आ गया, को अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर आप अपने दिल की बात बता देते हैं, वो समझ भी जाता है। अच्छा, अब एक नई चीज़ का यहाँ पे जिक्र होने लगा है। कुछ टैग्स या कुछ मार्कअप्स ऐसे भी होते हैं जो आप लिखते तो हैं लेकिन स्क्रीन पे वो नज़र नहीं आते। एक तो शुरू में इसने जिक्र किया था कि भाई जो भी चीज़ कहाँ होती है, बॉडी में होती है, वो स्क्रीन पे नज़र आती है, शुरू में इसने बोला था। लेकिन बॉडी के अंदर भी कुछ मार्कअप्स या कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो आप लिखते हैं ना तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं नज़र आता आपको, लेकिन उनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग मशीन को पता चल रहा होता है स्टिल। तो वो वाले जो टैग्स हैं ना, अब उनके बारे में डिस्कस हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन टू ऐड द मार्कअप द टेक्स्ट दैट अपीयर ऑफ योर पेज, यू विल लर्न स्ट्रक्चरल मार्कअप। जो नज़र आने वाले टैग्स हैं वो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल मार्कअप्स। द एलिमेंट्स दैट यू कैन यूज टू डिस्क्राइब बोथ हेडिंग एंड पैराग्राफ। एग्जाम्पल के तौर पर हेडिंग और पैराग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल मार्कअप है वो। अब एक जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक मार्कअप्स, विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सच एज वेयर एम्फेसाइज इज प्लेस्ड इन अ सेंटेंस, दैट समथिंग यू हैव रिटन इन कोटेशन और द मीनिंग ऑफ एक्रोनियम एंड सो ऑन। तो कह रहा है सिमेंटिक मार्कअप वो मार्कअप्स होते हैं जो स्क्रीन पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी एक जुमला लिखा हुआ है उसमें किस जगह पे एम्फेसाइज करना है वो आप उससे बताते हैं। तो जुमला जब तक कंप्यूटर बोल के नहीं बताएगा ना तो वो वाली चीज़ पता नहीं चलेगी, विजुअली उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जल्दी से हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल मार्कअप कौन कौन से हैं और हेडिंग सबसे पहले उसके अंदर है। अच्छा, हेडिंग H1 से लेके H6 तक हो सकती है, जिसका ये आपको कुछ इस तरह का विजुअल दिखाया गया है कि H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, H6 सबसे छोटी हेडिंग है। बिल्कुल सेम यही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में 6 हेडिंग्स होती हैं आमतौर पर। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ ये होता है कि जो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं उनको हम पैराग्राफ कहते हैं। तो लॉन्ग पैसेज के लिए लिखा गया है। अब पैराग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। कह रहा है बाई डिफ़ॉल्ट अ ब्राउज़र विल शो ईच पैराग्राफ इन अ न्यू लाइन विथ सम स्पेस बिटवीन इट एनी सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स। तो अभी आपने अगर एक पैराग्राफ बोला कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अगले पैराग्राफ को क्या करेगा, थोड़े से फासले पे दिखाएगा, और नीचे जितने भी पैराग्राफ्स होंगे थोड़े थोड़े फासले पे वो आएंगे आपस में, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हम करके देख चुके हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, ये दोनों भी हम करके देख चुके हैं। अरे बेटा, अरे भाई, इनको मैंने ना सोने जागने का टाइम पता चल गया है, तो ये ऐसे टाइम पे फ़ोन करते हैं जब मैं एक्टिव होता हूँ। इन्होंने भी कोई लगाई है पीछे AI, हाँ नहीं पता चल जाता है ना, क्योंकि 4G एक्टिव होता है ना आपके फ़ोन में, तो किस वक्त आपके 4G में डेटा आना जाना ज़्यादा हो रहा है तो उससे ये पता लगा लेते हैं कि ये बंदा एक्टिव है या नहीं है। फिर दूसरा ये कि मैं जब ट्रैवल करता है बंदा तो एक टावर से दूसरे टावर पर जा रहा होता है ना फ़ोन,
तो किस वक्त आपका फोन एक ही टावर से कनेक्ट है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और किस वक्त आप बाहर निकले हैं दूसरे टावर, तो ये सब पता होता है इनको एक्चुअली। तो इसलिए ना ये जानबूझ के अभी फ़ोन कर रहे हैं मुझे कंपनी वाले। अच्छा, इनके बाई दफ़ा मैंने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, ये हर दफ़ा ना नंबर चेंज करके करते हैं। शुरू में होता है 0345 और आगे का नंबर चेंज होता है 0000, अब 1 फिर 2 फिर 3, वो अलग अलग से करते हैं, इतने तेज है यार ये। अच्छा, तो बोल्ड जो है वो सिंपली बोल्ड करके दिखाता है, इटैलिक सिंपली इटैलिक करके दिखाता है। ये हम शुरू की क्लासेस में हम देख चुके हैं करके, जब हम मार्कअप से इंट्रोडक्शन हो रहा था हमारा। अच्छा, एक है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है वो भी एक मार्कअप है, जो आपको मैंने लिस्ट दिखा दी थी ना शुरू से आखिर तक कि भाई यही सारे मार्कअप्स हैं, तो उन उसमें ये भी शामिल था। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें ऐसे करके डिस्प्ले करवाना हो थोड़ा सा ऊपर करके, तो इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और अगर ऐसे नीचे करके डिस्प्ले करवाना हो जैसे CO2 में, तो सब स्क्रिप्ट है। इसको लगाने का जो तरीका है वो ये रहा, 4 लिखा हुआ है और उसके आगे TH को इसने रैप किया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो TH थोड़ा ऊपर होके दिखेगा, सही है। CO नॉर्मली लिखा हुआ है और 2 को इन्होंने सब स्क्रिप्ट में रैप किया हुआ है, तो वो थोड़ा नीचे होके दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल मार्कअप है जो कि आपको स्क्रीन पे विजुअली नज़र आ जाता है। अच्छा, वाइट स्पेस को कैसे हैंडल करता है HTML के डॉक्यूमेंट में, अगर आपने बहुत सारा वाइट स्पेस डाला हुआ है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। वाइट स्पेस को सिंपली ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। आप देखें इस तरह से लिखें आप, या इस तरह से लिखें, या इस तरह से लिखें, इसने लिटरली लाइन चेंज कर दी है दो, लेकिन इसको नहीं लिया जाता है। HTML जो है वाइट स्पेसेस को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। एक से ज़्यादा वाइट स्पेस नहीं पकड़ता वो। तो अच्छा, हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है, व्हेन द ब्राउजर कम अक्रॉस टू और मोर स्पेसेस नेक्स्ट टू ईच अदर इट ओनली डिस्प्लेज वन स्पेस। कह रहे एक से ज़्यादा स्पेस अगर आपने लिखा साथ साथ फौरन, ठीक है, एक से ज़्यादा कितना भी हो वो एक समझेगा उसको, उससे ज़्यादा नहीं समझेगा, ठीक है। अच्छा, लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल। लाइन ब्रेक मतलब जैसे उसने बोला ना, लाइन ब्रेक करने से तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा था, यानी एंटर एंटर करके मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसके लिए एक मार्कअप अलग है, दैट इज कॉल्ड BR एंड फॉर्मली कॉल्ड लाइन ब्रेक। जी, वो भी अभी आगे आ जाएगा कि वो कैसे होता है, वो भी इसी में कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ, अलग से बता देता हूँ। तो लाइन ब्रेक तो ये पता चल गया, और लाइन ब्रेक का जो डिस्प्ले है ना, देखो दी अर्थ लिखा हुआ है और उसके बाद गेट्स 100 आवर हैवियर, तो यहाँ पे दी अर्थ के बाद देखो लाइन फौरन चेंज हो गई है, शुरू में आ गई है। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल जो है उसका जो विजुअल है, ये देखो एक पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे दूसरा पैराग्राफ है, लेकिन उसके बीच में एक HR लगा हुआ है, तो HR ऐसे एक लंबी सी लकीर खींच के आपको नज़र आ जाएगा। यानी लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल असल में एक ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रूल में एक आपको लकीर भी नज़र आती है, BR में आपको कोई लकीर नज़र नहीं आती, ठीक है, दोनों सेम काम कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा तुमने सवाल किया, ये BR और HR जो है ना, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, ठीक है। अच्छा, देखो इसका सेंस भी समझो कि सेंस क्या है इसका। पैराग्राफ जो है उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी रैप करना है ना, शुरू में और आखिर में डालना है। बट लाइन ब्रेक का मतलब है कि यहाँ से लाइन चेंज कर दो, दैट्स इट, तो उसमें रैप करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि यार मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा उसके BR शुरू BR क्लोज, ये तो नहीं करना ना मैंने, तो इसलिए इसमें सेंस बनता है कि ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं हो। तो इस तरह के जो मार्कअप्स हैं इनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहते हैं, या सेल्फ क्लोजिंग मार्कअप्स कहते हैं। अच्छा, ये इस दो के अलावा भी और भी हैं कुछ, वो आहिस्ता आहिस्ता में नज़र आते रहेंगे। काम एक ही है दोनों का, लाइन को चेंज कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है, एक में लाइन नज़र आती है लकीर खींची हुई, दूसरे में नज़र नहीं आती। नहीं, ये लाइन 100% होती है, हाँ, शुरू से लेके आखिर तक, यानी ये पूरा पेज है ना जो उस पर आती है। अच्छा, तो मैं ज़रा आपको यहाँ पे ना इधर आके और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, और एक पैराग्राफ के अंदर मैंने कहा कि दिस व्हाट
दिस इज अ दिस इज अ पैराग्राफ अबाउट HTML. इसका मैं ज़रा कॉपी पास्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ कि कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है. अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे आके ना बीच में पैराग्राफ के बाद एक मैंने एक BR लगा दिया मैंने. अच्छा, BR पे आप ऐसे भी करके लगाए ना तो भी गूगल क्रोम इसको समझ जाता है, लेकिन इसका फॉर्मल तरीका लगाने का ये है. ठीक है, तो जो तरीका है, जो HTML5 का स्टैंडर्ड जो हमें तरीका बताता है ना, हमने वो वाला करना है. गूगल क्रोम ने ऐसे भी समझ जाता है, लेकिन मे बी कोई दूसरा ओल्डर ब्राउज़र ऐसे ना समझे, मे बी. ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें HTML5 का स्टैंडर्ड फॉलो करना है. ये गूगल, फायरफॉक्स, ये सब फिर हमें फॉलो करेंगे. अच्छा, तो ये मैंने लाइन ब्रेक जैसे ही इस पर लगाया, यार ये क्या किया मैंने, अच्छा जूम आउट. अच्छा, ये लाइन ब्रेक मैंने जैसे ही इस पर लगा दिया और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई. अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस BR को अगर मैं HR बना दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक लकीर बनी भी आ जाएगी. और अगर जूम इन करूँगा पेज या जूम आउट करूँ, ये पेज के लेफ्ट से लेके राइट पूरे पूरी विड्थ पे ये दिखा रहा होगा मुझे, सही है. अच्छा, और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये हट जाएगा, सही है, इसको मैंने हटा दिया. अब ये पैराग्राफ क्या हो गया, वापस से नॉर्मल पैराग्राफ बन गया. अच्छा, एक दोस्त ने यहाँ पे सवाल पूछा था, अगर मैं खुद से स्पेस ऐड करना चाहूँ, मतलब पैराग्राफ के और अबाउट के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में अगर मैं एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहूँ, तो उसके लिए कोड है MNBSP कॉलन. ठीक है, ये स्केप सीक्वेंस में अभी आगे इस बुक में आ जाएगा ये, लेकिन आपने अभी पूछा तो मैंने बता दिया. अब ये एक NBSP का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा स्पेस. ठीक है, तो जैसे ही आके रिफ्रेश करूँगा मैं, आप देखें यहाँ पे कितने स्पेस आ गए, 1, 2, 3 तीन स्पेसेस क्यों आए, तीन स्पेसेस वजह से, एक ये वाला, एक NBSP का खुद का, और उसके बाद एक यहाँ पे लास्ट एक और स्पेस है. तो ये तीन स्पेसेस को काउंट कर रहा है. अच्छा, अगर मुझे मज़ीद स्पेसेस चाहिए हो तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मज़ीद स्पेसेस भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, ये मज़ीद स्पेसेस आ गए मेरे पास, तो मैं इसको दो दो कर देता हूँ और दो पे इसको मैं रोक देता हूँ. तो ये हमने स्ट्रक्चरल मार्कअप्स के बारे में कुछ देखा कि स्ट्रक्चरल मार्कअप जो है ना मेन कौन से होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे एक जिक्र हो रहा है विजुअल एडिटर्स एंड देयर कोड व्यू. विजुअल एडिटर जो है ना, जैसे विजुअल एडिटर ये होते हैं कि एक तरफ कोड लिख रहे हो आप, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है. मिसाल के तौर पर अभी मुझे इस स्क्रीन पर मैं कोड लिख रहा हूँ और इस स्क्रीन पर मैं रिजल्ट देख रहा हूँ. ठीक है, तो कुछ एडिटर्स ऐसे होते हैं वहीं पर ही व्यू खोल के दिखा देते हैं, तो ये उस तरह के एडिटर्स की बात हो रही है. और उसके अंदर क्या होता है कि समटाइम कोड और उसका व्यू साथ साथ दिख रहा होता है, समटाइम कोड होता ही नहीं है. जो CMS वाला केस कि आपने मतलब कोई यहाँ पे बात लिखी फ्रॉम है, अब फ्रॉम को सेलेक्ट करके बोल्ड का बटन दबा दिया तो वो बोल्ड हो गया, सही है, लाइक दिस, जस्ट लाइक अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, कि उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, तो उस तरह के भी एडिटर्स मौजूद हैं. और CMS में मोस्टली वही वाले एडिटर इस्तेमाल होते हैं. CMS का पहले जिक्र हो चुका है, थोड़ा बहुत हो चुका है CMS का जिक्र यहाँ पे. ठीक है, तो इसके कुछ क्या बता रहा है यहाँ पे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम HTML एडिटर सच एज ड्रीम व्यूअर यूजुअली हैव टू व्यूज क्रिएटिंग अ एडिटर दैट 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 दैट. अच्छा, अभी तक तो ये नोट पैड पर कहानी लेकर चल रहा था ना, मतलब जो बुक का राइटर है अभी तक तो वो नोट पैड पर लेकर चल रहा था. अब ये इस पर आया है कि अच्छा यार आप कोड एडिटर इस्तेमाल करो, तो ये ड्रीम व्यूअर करके एक सजेस्ट कर रहा है और उसके बारे में कुछ बता रहा है. वेल, अब यहाँ से शुरू हो गया सिमेंटिक मार्कअप. स्ट्रक्चरल मार्कअप तो वो थे जो हमें नज़र आते हैं. सिमेंटिक मार्कअप आर सम टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज. कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर. इसका मकसद ही नहीं है कि वो स्ट्रक्चर को चेंज करें या स्ट्रक्चर पे अपना कोई इम्पैक्ट डाले, उसका मकसद कुछ और है. बट दे डू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट वो बिल्कुल बेमकसद भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं टू द पेज.
दे आर नोन एज सिमेंटिक मार्कअप्स. अच्छा, अब ये जो सिमेंटिक मार्कअप है ना, ये आपने भूलना नहीं है. सिमेंटिक मार्कअप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. शुरू में शायद आपको इतना इम्पॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचेंगे तो घूम फिर के फिर सिमेंटिक मार्कअप आपसे दोबारा टकराएगा. अच्छा, इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल मीट सम मोर एलिमेंट्स दैट विल हेल्प यू व्हेन यू आर एडिंग टेक्स्ट टू वेब पेजेस. फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू मीट एम्फेसाइज एलिमेंट दैट अलाउ यू टू इंडिकेट वेयर एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन सेलेक्टेड वर्ड. ठीक है. अच्छा, ब्राउजर ऑफन डिस्प्ले द कॉन्टेंट ऑफ दीज एलिमेंट इन अ डिफरेंट वे. अच्छा, एम्फेसाइज जो है वो क्या होता है, कोई बता सकता है अंग्रेजी में एम्फेसाइज किस चीज़ को कहते हैं? जोर देने को कहते हैं. ठीक है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ इस पर कौन से वर्ड पे मैंने एम्फेसाइज किया है? मैं स्कूल जा रहा हूँ. अच्छा, इसको किसी दो डिफरेंट तरह से भी कहा जा सकता है. मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो शायद इसका मतलब चेंज तो नहीं हुआ. अभी इसने भी अगर एक एग्जांपल दिया, आगे अच्छी एग्जांपल है. आई एम नॉट श्योर कि मैं स्कूल जा रहा हूँ एक अच्छी एग्जांपल है या नहीं. मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा है ना. अगर एक ही जुमले को मुख्तलिफ तरह से बोला जाए तो शायद उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है. तो दैट इज़ एम्फेसाइज. अच्छा, आप अपने जुमले में ना किसी वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कि किसी भी वर्ड पे एम्फेसाइज नहीं हो, बहुत माइनर सा होता है लेकिन होता है. तो अब इसीलिए इसने कहा है कि प्लेस का वर्ड यूज़ किया है एम्फेसाइज के लिए ना, कि अगर आप इसके जुमले पर गौर करें. That allows you to indicate where emphasize should be placed. Should का मतलब है होना ही होना है प्लेस, लेकिन किधर प्लेस होना है वो आप इस टैग के ज़रिए बता सकते हैं. अच्छा, अगर आप ये टैग नहीं लगाते हैं तो वो उसको नॉर्मली बढ़ेगा. अब नॉर्मली उस पर बाई डिफ़ॉल्ट जहाँ पर भी एम्फेसाइज आता होगा वहाँ पर आ जाएगा. तो इसीलिए इसने शुड बी प्लेस्ड का वर्ड यूज़ किया है. एम्फेसाइज करना या नहीं करना ये इसने जिक्र नहीं किया है. वेल, तो कह रहे हैं कि ब्राउज़र ना, अब अगर आप एम्फेसाइज लगा देते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल पे एम्फेसाइज लगा दिया, तो ब्राउज़र ऑफन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दीज एलिमेंट इन अ डिफरेंट वे. फॉर एग्जांपल, कंटेंट ऑफ एम्फेसाइज एलिमेंट इज शोन इन इटैलिक. कह रहे हैं कि मोस्ट ब्राउज़र में क्या होता है, जिस पे आप एम्फेसाइज लगाते हैं उसको वो थोड़ा सा इटैलिक करके दिखाता है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इटैलिक और एम्फेसाइज दोनों सेम चीज़ है, इसका ये मतलब नहीं है. ठीक है, ब्राउज़र उसको हो सकता है कुछ ब्राउज़र उसको एम्फेसाइज को इटैलिक ना करके दिखाए. अच्छा, तो ये जी हमारे पास जो है ना दो एलिमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज. ये दोनों जो है बोलने से इसका ताल्लुक है. और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है किसी वर्ड को ज़ोर से बोलना. एम्फेसाइज का पर्पज़ ये है कि जब आपके, क्योंकि वेबसाइट शुरू में इसने बता दिया था कि वेबसाइट कैसे एक्सेस की जाती है, तो उसने बोला कि यार ब्राउज़र्स के थ्रू की जाती है, मोबाइल ऐप के थ्रू, और आपका जो है ना स्क्रीन रीडर्स के थ्रू और क्रॉलर्स के थ्रू. तो इसमें दो जो है वो ह्यूमन इंटरफेस है, दो जो है मशीन इंटरफेस है. ऐसे ही ना, यानी ब्राउज़र और मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन ब्राउज़र, ये दोनों ह्यूमन डायरेक्टली यूज़ कर रहा होगा, लेकिन स्क्रीन रीडर इज़ अ सॉफ्टवेयर. स्क्रीन रीडर आपकी वेबसाइट को देखेगा और उसको ऑडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र को दिखाएगा. फिर दूसरा जो क्रॉलर है वो भी एक मशीन है. क्रॉलर जो है वो ह्यूमन नहीं है. क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है, एक स्क्रिप्ट है जो कि कंटिन्यूसली लूप में चलता रहता है और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर जाके उसका कॉन्टेंट निकाल के उसको इंडेक्स करता है. यानी गूगल का जो क्रॉलर है उसका काम ये है कि वो इंडेक्स करता है. और भी दूसरे क्रॉलर हैं, बिंग वालों का अपना होगा, याहू सर्च है, डक डक गो के नाम से भी एक सर्च है, तो वो भी इंडेक्स करते हैं और भी दूसरे काम करते हैं. क्रॉलिंग करके लोग डेटा फैच भी करते हैं, जिसको हम स्क्रैपिंग कहते हैं. ठीक है, तो क्रॉलर्स डिफरेंट तरह के होते हैं. क्रॉलर्स अलग अलग उनकी जॉब्स, तो क्रॉलर भी आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा. तो मशीन के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आपने जो ये जुमला लिखा है इस जुमले को बोला कैसे जाए, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी मशीन के लिए. ठीक है,
और ख़ास तौर पे स्क्रीन रीडर के केस में ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब वो उस तरह से उसको बोल के बताएगा, ऑडियो में कन्वर्ट करते हुए उस चीज़ का जब ख्याल रखेगा, तो एंड यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा, जो स्क्रीन रीडर के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है कि द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट इज दैट कॉन्टेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कंटेंड इन दिस एलिमेंट माइट बी सेड इन अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज है और एक नॉर्मल एम्फेसाइज है। बाई डिफॉल्ट ब्राउजर विल शो द कॉन्टेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन बोल्ड। ठीक है जी, तो इन्होंने ये जो जुमला इस्तेमाल किया है वो क्या इस्तेमाल किया है, बिहेवियर, पॉकेट पिकर्स ऑपरेट इन दिस एरिया। ठीक है, जैसे हम इसको बिहेवियर की जगह हम अगर अटेंशन भी लगा दें तो उसको कैसे बोला जाएगा, अटेंशन, पॉकेट पिकर्स ऑपरेट इन दिस एरिया। ठीक है, तो एक बोलने का एक अंदाज इसका मुख्तलिफ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लगने की वजह से। अगर बगैर स्ट्रॉन्ग के इसको पढ़ा जाता तो अटेंशन पॉकेट पिकर ऑपरेट इन दिस एरिया, इट डजेंट साउंड दैट गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखो एक जुमला इन्होंने और लिखा है, और उसमें आई थिंक अब ईव को हम कुछ अपने अपने लोकल नाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईव तो काफ़ी मुश्किल किस्म का नाम है ना, चलो जॉन कर देते हैं इसको। सही है, आई थिंक जॉन वॉज द फर्स्ट, एक इसको बोलने का ये तरीका हो सकता है। अगर यही एम्फेसाइज जॉन पे हो जाए तो आई थिंक जॉन वॉज फर्स्ट, या आई थिंक जॉन वॉज फर्स्ट, तरह कुछ बोले जाएगा शायद इसको। अच्छा, फर्स्ट के ऊपर अगर एम्फेसाइज हो जाए तो आई थिंक जॉन वॉज फर्स्ट, शायद कुछ इस तरह बोला जाएगा इसको। तो एम्फेसाइज अगर जुमले में डिफरेंट जगहों पर प्लेस किया जाए तो इसका, इस वाले जुमले में इसका मतलब एंटायरली चेंज हो जा रहा है, सिर्फ एम्फेसाइज को चेंज करने की वजह से। ठीक है, जो पहला वाला है अगर आई थिंक के ऊपर अगर एम्फेसाइज रखा जाए तो इसका मतलब शायद ये है कि अपना ख्याल जाहिर कर रहा है कोई बंदा, उसको शायद श्योरली वो कह नहीं पा रहा लेकिन अपना ख्याल जाहिर कर रहा है कि आई थिंक जॉन वॉज फर्स्ट। दूसरे वाले जुमले में क्योंकि बंदे के नाम पे एम्फेसाइज है तो आई थिंक जॉन वॉज फर्स्ट, तो ये आर्ग्यूएबल, आर्ग्यू टाइप का कोई जुमला है कि कोई बंदा आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं जॉन फर्स्ट था, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और थर्ड वाले में आई थिंक जॉन वॉज फर्स्ट, तो ये भी काइंड ऑफ आर्ग्यू लग रहा है कि जॉन ही फर्स्ट था, कोई सेकंड अगर कोई शायद कहना चाह रहा था जॉन को तो इसने कहा नहीं जॉन फर्स्ट है। तो थोड़ा थोड़ा सा एम्फेसाइज चेंज होने पर जुमले में काफ़ी मीनिंग में चेंज आया। हाँ, बोल्ड और इटैलिक लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल बोल्ड और इटैलिक क्या है, स्ट्रक्चरल मार्कअप है, वो लगाने से एम्फेसाइज नहीं करेगा। हाँ, रीडर नहीं, तो वो जिन लोगों के लिए है, मतलब कैसे नहीं पता चलेगा, ये सवाल तुम्हारा, आपने कहा कि किसी को पता थोड़ी चलेगा कि बोल्ड लगा हुआ है या स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, कैसे नहीं पता चलेगा, क्या काम एक ही हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। देखो शुरू में इसने पैराग्राफ में जब भी जिक्र किया है कि स्ट्रॉन्ग का और एम्फेसाइज का काम जो है वो तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने किया है, कुछ ब्राउज़र बल्कि मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र उसको बोल्ड करके दिखाते हैं या इटैलिक करके दिखाते हैं, अगर तो वो एक एडिशनल चीज़ है। सही है, आप एम्फेसाइज के टैग से ये एक्सपेक्ट ना करें कि एम्फेसाइज लगाने से इटैलिक हो ही जाएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करें। आपको अगर इटैलिक करना है तो उसके लिए आप अलग से टैग लगाएंगे, दिस इज़ HTML5 स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा, एम्फेसाइज लगाने का जो मतलब एम्फेसाइज लगा हुआ है कि इटैलिक लगा हुआ है, उसका फ़र्क देखने वाले व्यूअर को पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखने वाले को तो लगेगा कि यार अच्छा ठीक है बोल्ड हुआ भाई इटैलिक, जब तक वो राइट क्लिक करके कोड में ना चले जाए। लेकिन जो बंदा इस पे डिपेंडेंट है, स्क्रीन रीडर के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, उसको फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, वो आपका बोल्ड इटैलिक नहीं देख पाएगा बट वो एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग को नोट कर पाएगा क्योंकि उसको सुनने में वो फील होगा। अच्छा, इसी तरीके से कोटेशन है, कोटेशन क्या होता है, किसी का किसी
कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ कॉल कहते हैं, सही है। किसी का जो कॉल होता है वो हम किस में लिखते हैं, ब्लॉक कोड के मार्कअप में उसको हम लिखते हैं। और ये भी क्या है, एक सिमेंटिक मार्कअप है। अब आप कहेंगे यार ये स्क्रीन पर थोड़ा सा सेंटर में दिख रहा है, क्यों स्क्रीन पर तो थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन वो भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कोई बोल्ड इटैलिक वगैरह जैसे हो जाता है उसी तरह का ये भी इम्पैक्ट है, ठीक। मतलब ब्राउज़र के ऊपर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा इसमें कि क्या बात लिखी हुई है, लेकिन स्टिल स्क्रीन रीडर और जो क्रॉलर जब आएगा आपके पास, तो वो क्रॉलर जब वो बात देखेगा ना, तो उसके साथ वो ये भी देखेगा कि ये बात कहाँ से उठाई गई है, ठीक है, कहाँ से उसको लेकर आया गया। तो एक मशीन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, देखने वाले व्यूअर के लिए शायद इतना यूज़फुल ना हो, लेकिन एक मशीन के लिए यूज़फुल हो सकता है। ये अच्छा, ये एक ब्लॉक कोट है और एक क्यू एलिमेंट है, ठीक है, कोट्स, ये सिर्फ कोट है। अब ब्लॉक कोट में और कोट में डिफरेंस ये है कि ब्लॉक कोट में ना एक तो फॉर्मली पूरी बात लिखी हुई है कि ब्लॉक कोट, और एक साइटेशन इसने दी है। ब्लॉक कोट में ज़रा साइटेशन आपको देनी होगी कि कहाँ से उठा कर लाए आप, और ये विकिपीडिया का कोई आर्टिकल है, वहाँ से उन्होंने उठाया, तो इसलिए उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया है। और उस लिंक को लगाने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ की सूरत में लिख दी है, लेकिन ऑन अदर हैंड एक पैराग्राफ के बीच में एक क्यू बस ओपन हुआ और क्यू क्लोज हो गया है, इसमें कोई साइटेशन नहीं है, इसमें कोई साइटेशन नहीं है। तो बट स्टिल जो उसको ब्राउजर पे ना डबल कोटेशन के अंदर दिखाया गया है स्टिल, तो मतलब ऐसा है कि देखने वाले को पता चले कि ये किसी की बात को नकल कर रहा है, ये अपनी ओरिजिनल बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जुमला पढ़ेंगे इसका, तो एज ए ए पता नहीं क्या मुश्किल सा नाम लिखा है, सैड, सही है, मिलर बना देते हैं, नाम ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। एज ए ए मिलर सैड सम पीपल टॉक टू एनिमल्स, तो ये मतलब बंदे का नाम लिखा हुआ है, कोई साइटेशन वगैरह नहीं है, तो देख के पता चले किसी भी क्रॉलर को या किसी भी मशीन को कि ये किसी की बात कर रहा है, ये इस, हाँ इसका अपना स्टेटमेंट नहीं है। हाँ बोलो, हाँ नहीं वो तो आर्टिकल का लिंक दिया मैंने, उस आर्टिकल में कहीं वो बात हुई थी, नहीं ये किसी बुक का भी यूआरएल हो सकता है, अमेजोन पे कोई बुक्स सेल हो रही है ना, उसका लिंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। आप बल्कि इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप अगर जाएंगे ना विकिपीडिया पे, तो विकिपीडिया पे एक्चुअली नीचे आपको साइटेशंस दिख रही होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो अब आप उसमें जैसे मैंने विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके मैं विकिपीडिया के पेज पे चला गया, ठीक है। अब देखो इसने ना यहाँ पे एक बात की हुई है, फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज रिलीज्ड इन नवंबर 1985 एज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम शेल और फॉर MS-DOS इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये इसने पूरी एक बात लिखी है कि भाई विंडोज़ जो है वो रिलीज़ हुआ था फला फला डेट को ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, और इंटरेस्ट जो क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बढ़ता जा रहा था इसलिए उसको बनाया। अब ये कि उन्होंने बात की है ना, एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। अब उसका ये 7 देख रहे हो, ये इसकी साइटेशन है। अब इन्होंने साइटेशन को बकायदा पॉपअप करके दिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट पे ऐसा दिखाया जाए। तो अभी इस पर आप क्लिक करेंगे ना जब, तो आपको ये कहाँ लेके चला गया, नीचे लेके चला गया 7 नंबर पे, ये रहा, ठीक है। अब ये 7 नंबर वाले को अगर आप खोलें ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, द अनयूजुअल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये मोस्ट प्रोबेबली कोई आर्टिकल है। खुलेगा कैसे ये, ठीक है, ये एक आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल के अंदर देखो वो कहीं ना कहीं बात मेंशन होगी जो उसने की है ना वहाँ पे, रिलीज डेट सबसे पहले तो ढूंढते हैं इसमें मिल रही है कहीं, हाँ, और नवंबर 1983 द प्लाजा होटल न्यूयॉर्क माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, नहीं वो क्या डेट लिखी हुई थी उसने वहाँ पे,
वो यहाँ पे होगी मतलब कहीं ना। ये लिखा हुआ है उन्होंने 1985, सही है, चार पांच जगह पे जिक्र है 1985 का। सही है। और इसने क्या यहाँ पे डिटेल लिखी है, फर्स्ट ग्राफिकल इंटरफेस तो नहीं लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये लिखा हुआ है। अब ये इंटरेस्ट की इसने बात की है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में ना इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था लोगों का, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस का यहाँ पे कहीं जिक्र है, इसमें देख लेते हैं पता चल जाएगा। नहीं, यहाँ पे ग्राफिकल का जिक्र तो है यहाँ पे तीन जगहों पर है। अब इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा था। अब उसमें वो क्रिटिक्स बैठे हुए विकिपीडिया के जो मेंबर्स हैं वो जाके देखते हैं इस जो साइटेशन को, इस लिंक को जाके स्टडी करते हैं पूरा, और वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ये बात सही लिखी हुई है, और फिर उसको अपवोड और डाउनवोड करते हैं। ठीक है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसके ज़रिए अगर आप सब लोग, मतलब यहाँ पर अभी 200 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अगर आप जाके यहाँ पर विकिपीडिया पे ये एक स्टेटमेंट डाल दें, एक आर्टिकल लिखे पहले अलग से कि भाई माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बनी थी कंपनी लाहौर में, फिर बाद में अमरीका चली कर किया लोगों ने इस तरह, और उसका एक आर्टिकल छाप दें किसी वेबसाइट पे चार पांच अलग अलग जगहों पे, और जाके उधर एक लाइन लिखें, फिर आप सब लोग उसको अपवर्ड डाउनवर्ड करें अगर, ठीक है, तो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि क्राउड सोर्स है ये, तो वो अपनी जगह पर आ जाता है थोड़े दिनों में। ठीक है, एक बच्चा था वैसे, उसकी स्टोरी ये थी कि उसने अपने आप को ना पता नहीं किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का बेटा बेटा बना दिया था, अपने ही बारे में आर्टिकल लिखे जगह जगह, और फिर विकिपीडिया के पेज पे जाके लिख दिया कि भाई इसके सिबलिंग बेटा बेटा ही है, और वो हर जगह जाके दिखा के ना उससे वो मराते हासिल करता था यार। तो बाद में फिर खुल गई बात, कोई जानता था उसको पर्सनली, तो उसने बोला यार बेटा तो कोई नहीं है उसका, विकिपीडिया पे खोल के दिखाता था सबको कि बेटा है, और यहाँ तक कहानी पहुँचा दी थी कि लोग इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ना, जो उसके बारे में न्यूज़पेपर पे जो छपता इंट्रो उसमें भी होता था कि भाई उसका एक बेटा है और वो फला जगह, और ऐसे उसकी फ़ोटो आ रही होती थी कि भाई ये बेटा है इसका, फला होटल में जाके इसने बड़ा अच्छा डांस, मतलब इस तरह का लेवल कर दिया था उसने, मतलब लोग वाकई में उसको समझने लग गए थे। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, इसी तरह एब्रीवेशन और एक्रोनियम का भी चक्कर है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि एब्रीवेशन का मतलब, एब्रीवेशन किस चीज़ को कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। तो मतलब जैसे PIA है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये इसकी एब्रीवेशन है, यानी फुल फॉर्म जो है वो एब्रीवेशन है और PIA जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा है? अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया उन्होंने, इन्होंने बोला इफ़ यू यूज़ एन एब्रीवेशन और एन एक्रोनियम देन यूज़ ABBR टैग। अब एक्रोनियम और उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया इसने। वेल, जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो असल में एब्रीवेशन होता है, सही है, फुल फॉर्म एब्रीवेशन नहीं होता। तो PROF क्या है? ये एब्रीवेशन है, सही है, और प्रोफेसर जो है उसका क्या है? वो फुल फॉर्म है। तो इसको आप पढ़ते हैं क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? अब ये जो लिखा हुआ है इसको प्रोफेसर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोफ नहीं पढ़ता कोई इसको, इसको प्रोफेसर पढ़ते हैं। प्रोफेसर स्टेफन हॉकिन इज़ अ थियोरेटिकल फिजिस्ट, जो भी पता नहीं आगे बात लिखी है, कॉस्मोलॉजिस्ट। तो ये एब्रीवेशन है। अच्छा, जो PIA है ना उसको क्या पढ़ते हैं? PIA, वो PIA इटसेल्फ एक नाम बन चुका है, तो PIA एब्रीवेशन नहीं है। PIA क्या है? एक्रोनियम, सही है। जैसे कि अब आप देखें एक्रोनियम के अंदर इसने लिखा है टाइटल में, नेशनल
एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मुश्किल सा नाम है, नासा। तो इसको तो आप प्रोफ नहीं पढ़ रहे थे ना, इसको प्रोफेसर पढ़ रहे थे, इसको आप नासा पढ़ रहे हैं। तो नासा इट्सेल्फ एक नाम है। तो ये छोटा वाला जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एक्रोनियम, और ये है इसका फुल फॉर्म, इस एक्रोनियम का, ठीक है। तो एब्रीवेशन का फुल फॉर्म होता है और एक्रोनियम का फुल फॉर्म होता है। तो जब आप शॉर्ट वाला फॉर्म लिखते हैं तो उसको या तो एब्रीवेशन या तो एक्रोनियम में आप डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो नासा डू सम क्रेजी स्पेस स्टफ, ठीक है। तो एक्रोनियम और एब्रीवेशन समझ आ गया, ठीक है। और ये भी समझ आ गया कि एब्रीवेशन जो है वो छोटा वाला फॉर्म, वो एब्रीवेशन होता है, फुल फॉर्म जो है वो फुल फॉर्म होता है। अच्छा, तो कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले होगा, जब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो कुछ इस तरह से होगा कि नासा लिखा हुआ है ना, तो आप उस पर थोड़ी देर के लिए हाथ रखेंगे तो अपना फुल फॉर्म नीचे दिखा रहा होगा, ठीक है। उसकी नहीं दिखाएगा, हाँ प्रोफेसर की वो नहीं दिखाएगा, लेकिन प्रोफेसर का जब मैं इस तरह करके लगाऊंगा ना, तो जब स्क्रीन रीडर आएगा तो उसको पता होगा कि ये प्रोफ नहीं पढ़ना है, उसको प्रोफेसर पढ़ना है, ठीक है। और स्क्रीन रीडर भी क्योंकि अब स्मार्ट हो चुके हैं ना, तो जहाँ पे एक्रोनियम भी आता है ना, तो मे बी वो सम टाइम क्या करे कि वो पूरा नाम पढ़े, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, और फिर आगे करके बताएगा डू सम क्रेजी स्टफ। तो वो एक बार पूरा बोलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो नासा नासा करके बोल रहा होगा। अच्छा, साइटेशन एंड डेफिनेशन। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें ना, ये सब SEO के अंदर और इन चीज़ों में ना टोटली यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर आप जाके लिखेंगे ना प्रोफ, तो गूगल को कैसे पता चल जाता है कि प्रोफ का मतलब प्रोफेसर है। अच्छा, ये तो प्रोफ इसने कुछ और ही बोल दिया ना, प्रोफ एब्रीवेशन, ठीक है। तो इसने ये जो है ना, अच्छा मतलब एब्रीवेशन और एक्रोनियम काइंड ऑफ गूगल समझ रहा है उसको, किसी ने सर्च किया हुआ था तो मैंने हिस्ट्री में से लिख दिया तो वो आ गया। वैसे प्रोफेसर जो है वो खुद एब्रीवेशन है। अच्छा, तो इसने फौरन प्रोफेसर बता दिया। अच्छा, लेकर कहाँ से आया, नीचे लिंक बता रहा है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी डॉट कॉम, यहाँ से लिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वेबसाइट से जब ये उठाकर लाया ना, तो इस वेबसाइट वाले ने वो टैग लगाया हुआ होगा, तो जब इनका क्रॉलर वहाँ पर गया तो इसने वो एक्रोनियम, वो एब्रीवेशन और उसका फुल फॉर्म अपने पास इंडेक्स कर लिया, और जब यहाँ पे आया तो लेकर आ गया। अच्छा, इसी तरह एब्रीवेशन और एक्रोनियम के बाद हमारे पास है साइटेशन एंड डेफिनेशन। अच्छा, जैसे यहाँ पे ना एक जुमला लिखा हुआ है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाई स्टेफन हॉकिन हैज सोल्ड ओवर 10 million कॉपीज ओवर कॉपीज वर्ल्ड वाइड। तो इसके अंदर ना एक बुक का जिक्र हो रहा है, एक मूवी का या बुक का या ड्रामे का या किसी आर्टिकल का जब जिक्र होता है तो वहाँ पे हम उसको साइट के टैग पे उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको पता चल जाता है कि यार ये किसी दूसरी बुक की बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह डेफिनेशन है, यहाँ पे आपके सामने जो जुमला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, किस चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ब्लैक होल की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ना इस तरह की कोई डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, तो आप उसको एज अ डेफिनेशन मार्क करते हैं कि ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। फिर कल को जब गूगल पे कोई सर्च करता है ना कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक होल, तो ये उठ कर जाता है वहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब इंडेक्स में आ रहा, तो जाहिर है आप अगर अभी आपने वेबसाइट लॉन्च की, ऐसा नहीं कि गूगल सर्च आपका डेटा दिखाने लग जाए, वो बहुत लाखों करोड़ों दूसरी भी वेबसाइट्स हैं जो उनमें से इंडेक्स करके ला रहा होता है, तो उसमें जाहिर है जो नंबर वन पे होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी जो है, वहाँ से वो क्यों लाया, क्योंकि वो नंबर वन पे है शायद इंडेक्सिंग में, ठीक है। तो अब इसको बताया कैसे इन्होंने, इसको बताया ऐसे, देखो एक पैराग्राफ का टैग बनाया, और ये दिस पैराग्राफ इज अ डेफिनेशन, और किसका डेफिनेशन है उस पर ये DFN लगा दिया इन्होंने, ठीक है, ब्लैक होल की डेफिनेशन है। अब जब मैं जाके गूगल पे जाके लिखूंगा कि व्हाट इज ब्लैक होल, तो मोस्ट प्रॉब्ली वही वाली डेफिनेशन है। ये देखो NASA.gov से ये डेफिनेशन उठा के लाया है, अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप गेट आउट ऑफ हियर, जो भी इसने बात लिखी है, ठीक है।
और ये नंबर टू और ये नंबर थ्री वाली जो डेफिनेशन है ये भी, ये NASA.gov से जो उठा के ला रहा है और ये न्यूज़ वाले से जो उठा के ला रहा है, ये इसी वजह से ला रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे उन्होंने DFN का टैग लगाया वो, ठीक है। चलते हैं ज़रा चेक करते हैं कि लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। वैसे तो अभी जो जदीद वेबसाइट्स हमारी हैं उनको आप इस तरह देख नहीं सकते उनका सोर्स कोड, क्योंकि उन्होंने मिनीफाई अग्लीफाई किया हुआ होता है और सर्वर साइड रेंडरिंग एक टेक्निक होती है, उससे होता ही है कि आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो एक्चुअल में हो रही होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा घोल चक्कर है, लेकिन फिर भी हम आके ना यहाँ पे से तलाश करने की कोशिश करते हैं कि ये बात कहाँ पे लिखी हुई है। ये पहला ही जुमला लिखा हुआ है, इस पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें इन्होंने कौन सा टैग लगाया हुआ है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ्स लगे हुए बहुत सारे और इन्होंने DFN का टैग नहीं लगाया हुआ है, फिर भी गूगल समझदार है, गूगल इसको समझ रहा है, या मे बी इन्होंने कुछ दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की हो सर्वर साइड रेंडरिंग वाली। सर्वर साइड रेंडरिंग ये होती है कि जब वैसे अभी बताने की चीज़ नहीं है, ये एडवांस टॉपिक है थोड़ा, होता ये है कि जब कोई मशीन आपकी वेबसाइट को विज़िट करती है ना तो आप उसको एक अलग पेज दिखाते हैं और जब कोई यूज़र विजिट करता है तो उसको आप अलग पेज दिखाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे मैंने यहाँ पे ये बात लिखी है ना जब, तो ज़ाहिर है क्रॉलर ने कभी ना कभी विजिट किया होगा इसकी वेबसाइट को, नासा को, तो जब क्रॉलर विजिट करने गया था ना तो उसको जो पैराग्राफ दिखाया था इसने उसमें वो DFN लगा हुआ था, लेकिन मुझे जो दिखा रहा है उसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस टॉपिक है, अभी ये ना डिस्कस करने की बात नहीं है। तो मे बी इस वजह से जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके देखते हैं तो हमें वो DFN का टैग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गूगल को पता चल रहा है। या इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो ज़ाहिर है आप SEO जब आप सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। SEO हमारे इस कोर्स में बाई द वे कवर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से ना एड्रेस का एक टैग है। एड्रेस का टैग कहाँ से आता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे किसी का भी एड्रेस लिखा हुआ है तो आपने उसको एड्रेस के टैग में लिखना है। नहीं नहीं, अबे IP ईमेल नहीं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है। मिसाल के तौर पे अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपकी एक बेकरी है और उस बेकरी की वेबसाइट है। अब उस बेकरी की वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, मिसाल के तौर पे उस बेकरी का नाम है ABC Bakers नाम है उसका, तो ABC Bakers में कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई लोकेशन होगी, तो वहाँ पे ना ये एड्रेस का टैग आपने लगाना है। फिर कल को जाके जब कोई गूगल पे लिखेगा ना कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ ABC Bakers, तो वो आपकी वेबसाइट से वो एड्रेस उठा के ले आएगा सामने डिस्प्ले कर देगा। या कोई जाके लिखेगा कि व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ ABC Bakers, तो आपका फ़ोन नंबर उठा लेगा वो। मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ कि फ़ोन नंबर ऑफ PayPal, तो ये देख रहे हो कॉन्टैक्ट अस का लेकर आया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर मज़ीद वो दूँ ना, ये देख रहे हो ये उठा के लेकर आ गया, ये देख रहे हो उठा के लेकर आया। इसको अगर मैं कस्टमर सर्विस नंबर लिखूँ ना, अगर फ़ोन नंबर की जगह कस्टमर केयर नंबर ऑफ PayPal इंडिया, क्यों इंडिया नहीं, सिर्फ PayPal, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लेकर आ रहा है वो वाला। इसी तरह एक सर्विस है पेयोनियर, वो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, तो पेयोनियर फ़ोन नंबर लिखता हूँ मैं, ये देखो सर्च में ही आना शुरू हो गया। तो ये उसी तरीके उसी से लेकर आ रहा है, क्योंकि इनकी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस में एड्रेस का टैग लगा हुआ होगा जिसको गूगल, अच्छा गूगल का क्रॉलर स्मार्ट है, ठीक है, नहीं भी लगा हुआ होगा तो भी गूगल समझ जाता है, लेकिन HTML5 का जो स्टैंडर्ड है वो हमें क्या बोलता है कि ऐसे लगाना है, तो हम HTML5 के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। गूगल तो स्मार्ट है, गूगल समझ लेता है, लेकिन हमें HTML5 का स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लिखूँगा ना कि एड्रेस, तो शायद एड्रेस भी लेकर आ जाइए, ठीक है। ये देखो एड्रेस लेकर आ गया, 30th Street स्वीट 600 न्यूयॉर्क सिटी 1001, ठीक है।
अगर मैं गूगल नहीं, गूगल तो खैर खुद ही है ना इनका, कोई और छोटी कंपनी बताओ थोड़ी रिलेटिवली। हाँ मीडियम, हाँ पेयूनियर तो लिख लिया ना हमने, पेपाल लिखते हैं, पेपाल एड्रेस। हाँ सैलानी एड्रेस लिखते हैं इधर। ये लेकर आ गया, अभी छोड़ दूँ, बस अभी छोड़ दूँ। ग्रैपिटी चौरंगी बहादरा, बहादुर शाह जफर रोड बहादुराबाद। हाँ सही है, बहादुराबाद में ही है, सही है इसमें। अच्छा एड्रेस को मैं किसी भी तरह से लिख रहा हूँ तो उसको समझ आ रहा है, मतलब गूगल स्मार्ट है ना इसलिए, कि मुझे एग्जैक्टली ये नहीं लिखना कि एड्रेस ऑफ सैलानी, मैं लोकेशन ऑफ सैलानी भी लिख रहा हूँ तो उसको पता चल रहा है कि यार ये लोकेशन की बात हो रही है। तो ये काम किया कैसे ज़रा देख लेते हैं कि आपने यहाँ पे इन्होंने ईमेल और जो पोस्टल एड्रेस है उन दोनों को एड्रेस के टैग के अंदर रैप किया हुआ है, ठीक है, लिखा वैसे ही है जैसे उसका दिल कर रहा है लिखने का, लेकिन जस्ट उसको रैप कर दिया है, टू टैग लगाया है उसके ऊपर कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये एड्रेस से रिलेटेड पोर्शन है, ठीक है। सब टॉपिक है चेंजेस टू कॉन्टेंट, ये भी सिमेंटिक मार्कअप के पोर्शन में इन्होंने डाला है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे अगर कोई ऐसा वर्ड था पहले या कोई ऐसा कंटेंट था जो आप हटा के अब उसकी जगह कुछ और रख दिया आपने, तो उसके लिए इंसर्ट और डिलीट करके ऐसे इन्होंने बताया हुआ कि भाई इट वाज द वर्स आइडिया, ऐसा लिखा हुआ था पहले, अभी इसको वर्स को काट के बेस्ट किया, ठीक है। वैसे तो आपके साथ कोई अगर करेक्शन करनी होती तो आप पुराने वाले को हटा देते हैं और आप डायरेक्ट नया वाला दिखाते हैं, लेकिन सम टाइम आप अगर ऐसा चाहते हैं कि पुराना वाला भी दिखे कि यार ये पहले था ये मैंने कट किया, तो फिर आपके पास ये एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा ये प्राइसिंग में यूज़ नहीं होगा ये वाला, सही है, ये वाला जो है उसी में यूज़ होगा कि भाई पहले कुछ और लिखा हुआ था अभी चेंज हो गया। अच्छा प्राइसिंग में जो है ना वो लाइन स्ट्राइक इन्होंने बताया है कि भाई ये लगेगा इसमें, ठीक है, एस करके टैग है इसका, और इसको क्या बोल रहे हैं ये स्ट्राइक थ्रू बोल रहे हैं। द एस एलिमेंट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज नो लॉन्गर एक्यूरेट और रेलिवेंट बट दैट शुड नॉट बी डिलीटेड। हाँ तो मतलब फॉर द टाइम बीइंग ये जो बात है ना ये 3995 जो ये बात है ये फॉर द टाइम बीइंग नॉट रेलिवेंट है अभी, ठीक है, बट ओरिजिनल प्राइस यही है तो इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो उसमें हमने ये स्ट्राइक थ्रो कर दिया इसको। अच्छा ये कुछ एग्जांपल वगैरह इसने बनाई है लास्ट में, समरी है, समरी पढ़ देते हैं। HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, ठीक है, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेज का स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, जैसे हम बिल्डिंग में ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे एम्फेसाइज को प्लेस करना है, डेफिनेशंस वगैरह जहाँ पे लिखी हुई हो तो वो मशीन को हम कैसे बताएंगे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर और सिमेंटिक मार्कअप आपने भूलना नहीं है। हमारे पास लास्ट के 10 मिनट हैं तो ज़रा हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रो ले लेते हैं और इंट्रो ले कर फिर हम ख़त्म करते हैं क्लास को। अच्छा चैप्टर नंबर 3 में 3 चीज़ें बताई हैं उन्होंने, लिस्ट नाम है इस चैप्टर का, तो तीनों तरह की लिस्ट जो HTML के अंदर आप बना सकते हैं वो यहाँ पे बताई गई है, नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब ये तीनों लिस्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है वो ज़रा देख लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ओकेजन व्हेन वी नीड टू यूज़ लिस्ट, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। HTML प्रोवाइड अस विथ 3 डिफरेंट टाइप्स, यार क्या बातें चल रही हैं आपस में तुम लोगों की, इस तरफ मुतवज्जो हो जो भूल जाओगे फिर बाद में बोलोगे एरर आ रहा है सर। अच्छा वो तीन तरह की लिस्ट कौन सी वाली है, नंबर एक ऑर्डर्ड लिस्ट, या हम इसको नंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं, वेयर ईच आइटम इन द लिस्ट इज नंबर्ड,
कि अगर इस लिस्ट के अंदर 10 आइटम है तो 1, 2, 3, 4, 10 तक उस पर नंबर डला होगा. फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट माइट बी सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ अ रेसिपी. दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, द लिस्ट दैट बिगिंस विद बुलेट पॉइंट रेदर देन नंबर्स. अगर 10 आइटम है तो 10 के आगे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उसमें. और नंबर 3 है डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट आर मेड अप ऑफ सेट ऑफ टर्म्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस ऑफ दोस टर्म्स. जैसे बचपन में वर्ड मीनिंग लिखते थे कि एक तरफ एक वर्ड है दूसरी तरफ उसका मीनिंग है. या डिक्शनरी अभी अगर आप फिजिकली खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, एक एक वर्ड होता है और हर वर्ड के आगे उसका डेफिनेशन होता है. तो कुछ इस तरह की लिस्ट अगर आपने बनानी है, जो एक और हम एक्टिविटी करते थे ना बचपन में, एक वर्ड दिया होता था उसका सेंटेंस बनाना होता था, तो वो किस तरह की टेबल बनती थी, एक तरफ एक सारे वर्ड और इन फ्रंट ऑफ दैट उसका जुमला होता था हर वर्ड के आगे. तो काइंड ऑफ इस तरह की अगर लिस्ट बनानी है तो डेफिनेशन लिस्ट इज अप्रोप्रिएट. अच्छा, कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल होगी और कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट आर दी अप्रोप्रिएट. मतलब कौन सी जगह पे हमें ज़रूरत होगी कि हम नंबर वाली लिस्ट बनाएं और कौन सी जगह पे बुलेट पॉइंट्स वाली लिस्ट बेस्ट है. जी और आप में से कोई बताना चाहे जो बातों में लगे हुए थे उनमें से कोई. जी सही. जी बोलना चाह रहा है आप में से कोई. देखो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे जुमले में लिखा हुआ भी है कि ऑर्डर्ड लिस्ट हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है. ठीक है, जैसे कि रेसिपी का इसने जिक्र किया है तो रेसिपी में ना सीक्वेंस मैटर कर रहा है. ठीक है, अगर चाय बनाने की रेसिपी है या अंडा तलने की रेसिपी है तो उसमें अंडे को पहले तोड़ना है फिर तवे पर डालना है. ये नहीं हो सकता कि पहले तवे, तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है इसमें. राइट, समझ गए होंगे आप लोग. तो रेसिपी के अंदर सीक्वेंस मैटर कर रहा है. हाँ, लेकिन रेसिपी से पहले आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे तो आप इसको बना सकते हैं. उसमें मैं ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं कि पहले टमाटर ख़रीदना है उसके बाद अंडा ख़रीदना है, ये नहीं है. अंडा पहले मिल जाए तो आप पहले भी ख़रीद सकते हैं. तो सीक्वेंस जहाँ पे मैटर नहीं कर रहा होता वहाँ पे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट आर दी अप्रोप्रिएट. के अगर मतलब आपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर 1, 2, 3 लगा दिया तो इट माइट कंफ्यूज द यूज़र कि यार यहाँ पे ऑर्डर क्या मैटर कर रहा है, क्या सीक्वेंस मैटर कर रहा है, वो कंफ्यूज हो सकता है. तो वहाँ पे आपके लिए बेहतर ये है कि आप अनऑर्डर्ड लगाएं जहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है, जैसे कि रेसिपी है. जैसे कि दोस्त ने बताया कि यूट्यूब पे अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि फला चीज़ को इस तरह किया जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें आपको नंबर वाली लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्टेप के नंबर्स होंगे, वो एक के बाद एक को आप फॉलो कर रहे होंगे. अच्छा, तो कुछ इस तरह की इन्होंने वेबसाइट बनाई है. सबसे पहले ये टॉप पे जो लगा हुआ ये कौन सा मार्कअप है, कौन सा एलिमेंट है, H1 है. उसके बाद ये जो लगा हुआ ये कौन सा एलिमेंट है, पैराग्राफ है. ये वाला बताओ H2 है. अच्छा, ये भी H2 है. इसके दरमियान में ये क्या चीज़ है, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बता रहा है इसके अंदर ये. और ये जो नीचे वाला है ये कौन सा है, ये ऑर्डर लिस्ट है, यानी नंबर वाली लिस्ट है. अच्छा, आपको अब क्या करना है, ये वाला जो चैप्टर है ये खुद से आपको पढ़ना है. ठीक है, और रेसिपी की एक वेबसाइट बना के लानी है आपको नेक्स्ट क्लास में. मतलब बना के लानी नहीं है, बना के सबमिट कर देनी है AIR.SysWorks पे क्लास में आने से पहले ही.
तो बन जाएगा। अच्छा, इसको बनाने में एक चीज़ अभी तक है जो हमने कवर नहीं की क्लास में, वो ये लिस्ट बनाने का तरीका कवर नहीं किया हमने, यही किया ना अभी तक। तो नीचे देख लेते हैं कैसे बनेगी लिस्ट। इस तरह से जब कोड लिखोगे तो उसका जो आउटपुट है वो इस तरह का दिखेगा, तो ये बन गई लिस्ट, सही है। अब अनऑर्डर्ड भी देख लेते हैं, ये अनऑर्डर्ड है। इस तरह से जब लिखोगे तो ऐसी लिस्ट बनेगी, सीख गए, आसान था। तो ये नेक्स्ट क्लास में रेसिपी वाली ना वेबसाइट, अच्छा हर बंदा अपनी अपनी रेसिपी खुद चूज़ करेगा, सही है। कोई मे भी कोई बिरयानी की बना कर लिया है, कोई जो भी आपको पसंद है, तो उस रेसिपी की वेबसाइट आपने बनानी है, ठीक है। इमेजेस वगैरह आप लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हर असाइनमेंट आपको एक नई गिटहब रिपॉजिटरी में बना के उसमें करना है, तो ऐसा कोई भी ना करे कि पहले वाली रिपॉजिटरी में ही शुरू हो जाए। एक नई रिपॉजिटरी बनानी है अप्रोप्रिएट नाम के साथ, कि भाई फला फला चीज़ की रेसिपी की का टास्क है, और उसके अंदर आपने उसको क्लोन करना है फिर अपने कंप्यूटर में, github.com पे बना के क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद कोडिंग शुरू करनी है, जब कोडिंग कंप्लीट हो जाए उसको वापस पुश करना है, और वापस पुश करने के बाद पेजेस में जाके उसका github pages इनेबल कर देना है ताकि वो होस्टिंग हो जाए उसकी, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो है ना ये बेसिक हैं, आज के बाद जितने भी असाइनमेंट होंगे वो github.com पे पुश होने चाहिए, यानी रिपॉजिटरी की सूरत में, और उसकी होस्टिंग हुई भी होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी असाइनमेंट होंगे ये इन दो चीज़ों के बगैर आपका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में आप ये बता दें कि जैसे मैंने जो रिपॉजिटरी बनाई है आपकी क्लास की, उसमें मैंने लिखा है कि भाई ये रिपॉजिटरी एक क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर बनाई गई है, ठीक है। तो आप कोई भी उसके लिए आप ये करें कि आप दूसरे आप उसमें बाकायदा लिखें कि ये रिपॉजिटरी क्यों बनी है, क्या कर रही है, इसके अंदर क्या मौजूद है। आप उसमें ये लिख सकते हैं कि ये एक सीवी का टास्क है, मुझे क्लास में मिला था, वो मैं बना के और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और असाइनमेंट के तौर पे ये बनाया था मैंने, इस तरह करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई कोई भी अगर बंदा ना मेरे पास आया कि सर ये मेरा लैपटॉप है इसमें ये बना हुआ है मेरे पास असाइनमेंट, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने क्या करना है उसको, आपने गिटहब में पुश करना है, और उसकी होस्टिंग हुई भी होनी चाहिए। और आप देखो ये सेंस नहीं बनता ना यार बगैर होस्टिंग के। आप कह रहे हो मैं वेब डेवलपर हूँ और आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो असूलन ये होना चाहिए कि आपके गिटहब में जो भी आए लाइन से 10-12 रिपॉजिटरी देख रहा है, वो किसी भी रिपॉजिटरी पे क्लिक करे उसका लिंक भी हो, उसको वो विजिट कर सके उसी वक्त फ़ौरन, जब पता चलेगा ना यार कि कुछ बनाया भी है बंदे ने। तो ये अभी से शुरू करोगे बाई द एंड ऑफ दिस क्लास आपके पास 150-200 रिपॉजिटरी होगी और सब होस्टेड होगी, तो आप कहीं पे भी जब इंटरव्यू के लिए अपना CV भेजेंगे तो साथ में उसके गिटहब का URL भी भेजेंगे ऑब्वियसली। वो जब आपकी गिटहब खोलेगा और जब आपके असाइनमेंट्स को वो देखेगा आपने क्या क्या बनाया है, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, सही है। आपका इंटरव्यू हो गया, फिर सवाल नहीं करेगा। असूलन ये होना चाहिए कि आपसे ना इंटरव्यू में जब बिठा के ना आपसे कोई आपसे हिम्मत ना हो उसकी पूछने की, कोई सवाल ना आपसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत ना हो टेक्निकल, उसको पता हो टेक्निकल में कुछ पूछूंगा तो ये मुझे लपेट देगा, सही है। तो किसी की हिम्मत ना हो, अब फिर आपसे वो क्या पूछेगा, आपका बायोडाटा थोड़ा बहुत पूछेगा, आप क्या करते रहे और कहाँ रहते हैं, ये वो दो चार बातें पूछ के इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म करें, ठीक है। तो आप इंटरव्यू की टेबल पे जाके जब बैठते हैं ना, उस वक्त आप इंटरव्यू को विन नहीं कर सकते, आप विन पहले कर चुके होते हैं या पहले लूज़ कर चुके होते हैं। ख़ासतौर पर हमें अभी लोकल डेमोग्राफिक्स की बात हो रही है, ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की इंटरव्यू की बात नहीं हो रही, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में इस असाइनमेंट के साथ।